यूपीएससी है ना, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन बदला में बहुत कुछ चीज छीन भी लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने शो में। आज का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है यूपीएससी। जी हाँ, आपने सही सुना, यूपीएससी। कोई के लिए चार शब्द होंगे, लेकिन कोई के लिए पूरी जिंदगी है। तो जी हाँ, हम आपको सीधा लेके चलते हैं मुखर्जी नगर, जहाँ आईएएस आईपीएस बनने के लिए कितने ही बच्चे तपस्या कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी जुड़ भी चुके हैं संतोष जी, जो पिछले 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सुनते हैं उनकी जुबानी। शुक्रिया आपने हमको अपने शो पे बुलाया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है संतोष जी, आप बता सकते हैं कैसा चल रहा है आपका संघर्ष? हमारे व्यूअर सुन रहे हैं आपको। अब क्या बोले, मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जिंदगी के इस मोड़ पे खड़े हैं कि अभी बोलना कुछ सही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने कहा संतोष जी, जिंदगी में हार जीत तो चलती ही रहती है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। 5 साल से कोशिश भी तो कर रहे हैं, चौथा अटेम्प्ट था ये, और क्या करे, इंटरव्यू तक तो पहुंच गए थे मगर हो नहीं पाया। मैं क्षमा चाहूंगा संतोष जी, मतलब आप थोड़ा खुल के बोलिए, आप खुल के बोल सकते हैं, मतलब अपने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, यूपीएससी के बारे में बताइए। मतलब क्या खुल के बोले, बोलने का तो आदत ही नहीं रही, कोई बोलने वाला ही नहीं है, मतलब पूरा दिन किताबों में ही निकल जाता है। हमारा दिन भी हिंदू से शुरू होता है और कांत पे खत्म होता है। ये यूपीएससी है ना, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन बदला में बहुत कुछ चीज छीन भी लेता है। आप देखेंगे कि आपका घर बार बीवी बच्चा सब कोई जा रहा है, सब कुछ आपको छोड़ के जा रहा है, लेकिन आप तभी भी ना उन्हें मुड़ के रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक सपना देंगे। आप पीछे मुड़ भी गए ना तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, और मुखर्जी नगर में कमजोर लोगों का कोई जरूरत नहीं। आप बहुत सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कि कोई सब्जी वाले का बेटा आईएएस बन गया, कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। ये सब क्यों होता है मालूम है आपको? क्योंकि ये लोग दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, बहुत कुछ सताती है दुनिया। दुनिया का छोड़िए, अपना ही बताते हैं। हम दरभंगा के एक मुड़िया गांव है, वहां के रहने वाले हैं, और हमारे पिताजी और माताजी दोनों किसान हैं, और हम भी बचपन से किसान ही कर रहे हैं। हमारे गांव में ना बहुत बाढ़ आता है, बहुत बाढ़ आता है, तो जितना किसानी करते हैं सब चला जाता है, फसल बोते हैं, लेकिन तब भी कुछ कुछ बचता है ना, तो उससे घर बार चलता है। लेकिन जो भी फसल बचता है उसमें भी माँ का गुंडा लोग है ना आ जाता है, और हमारा मतलब 100% फसल है ना, उसमें 70% ले जाते हैं। हम बोलते हैं ये तो बेमानी है भाई, ये तो गलत है, बोए हम पानी हम डाले सेवा हम करें, लेकिन लेकिन कोई और चला, तो इसके लिए हम जाते हैं। हमने बोला कि गलत है चलते हैं, तो हम गए थाने में, थानेदार से बोला कि ये गलत है, देखिए हमारा सारा फसल लेके तुम्हारे, तो बताया काम किया, तुम थप्पड़ मार दिया और कहता बकलोली करो, का करे, कौन सुन रहा है गरीब। माँ ने बोला कि ये गलत है, तो बोले कि यही चलेगा, जो दिल्ली पर पड़ेगा तभी ये सब बदल पाएगा। तो 4 साल हो गए या 5 साल हो गए आए हुए, इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, बनेंगे तभी तो कुछ ये सब बदल पाएंगे, सिस्टम बदल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, मालूम है अभी मनोज भैया कभी तो हुआ था, वो ग्वालियर से आए थे, वो तो क्या कहते हैं ऑटो चलाते थे, वो आज आईपीएस ऑफिसर, तो हम भी बन जाएंगे, चीजें होंगी। बात क्या बात, सही कहा, चीजें होंगी, जरूर होंगी। और कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और हमने देखा कि आप बोलते बोलते थोड़े इमोशनल भी हो गए थे। संतोष जी, एक सवाल था कि अभी टीवीएफ वालों ने एक सीरीज बनाई है एस्पिरेंट, तो आपने देखा, मतलब वो आप लोगों पे ही है, यूपीएससी के जो छात्र हैं उन्हीं पे आधारित एक वेब सीरीज बनी है, आपने देखी?
ऐसा नहीं है कि अच्छा लगा आज, मतलब इतने दिनों बाद खुल के बोले और मन अब हल्का लग रहा है। हाँ हाँ, हमने शो देखा वो, मतलब हम ये सब देखते नहीं है, हम तो फोन में खाली व्हाट्सएप फेसबुक भी नहीं चलाते, ट्विटर चलाते हैं क्योंकि ट्विटर से ना न्यूज पता चलता रहता है क्या चल रहा है। तो हाँ, हमारे दोस्त ने बताया कि एक शो आया है एस्पिरेंट नाम का, जो अपने ही यूपीएससी के लोग पे है। हमने देखा, उसमें थे संदीप भैया, हम तो लगे कि हम पे ही कोई कहानी बना दिया है। संदीप भाई, अभिलाष, हमारा दोस्त, मुझे अभिलाष लग रहा था कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि कोई एक्टिंग कर रहा है। अब उसका आखिरी एपिसोड भी आ गया है, पांचवा एपिसोड, तो वो भी हम देखेंगे, अभी देखे नहीं है, इस इंटरव्यू के बाद ही जाके देखेंगे। तो देखा आपने मुखर्जी नगर के कितने छोटे छोटे रूम से कितने बड़े बड़े सपने पूरे होते। संतोष जी से तो बातें यूं ही चलती रहेंगी। और हाँ, एस्पिरेंट का पांचवा एपिसोड अभी यूट्यूब पे आ चुका है, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखें। अभिलाष का क्या हुआ, संदीप भैया का क्या हुआ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, और मैं भी जा रहा हूँ। तो जाइए और देखिए, और अपना आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़